हेडिंग डालिए। एलोट्रॉप्स एंड एलोट्रॉपी। यहां से भी कंफर्म क्वेश्चन आता है, एलोट्रॉप्स एंड एलोट्रॉपी से, एलोट्रॉप्स एंड एलोट्रॉपी। कोई बताना चाहेगा हमें व्हाट आर एलोट्रॉप्स? डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन कॉल्ड एलोट्रॉप्स। एनी अदर बताएगा आज व्हाट आर एलोट्रॉप्स? आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट, सो नॉट नेसेसरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनी एलिमेंट। और कोई नॉट कार्बन? और बताओ जो भी सुना हो, ठीक है। ये लोग जो भी बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत नहीं है, पूरी तरीके से सही भी नहीं लेकिन गलत भी नहीं है। हाँ, और कोई एलोट्रॉप सुना है इसके पहले? 10th में था बेटा, कैसे नहीं सुना होगा। कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स नहीं। देखिए, अगर पर्टिकुलर एक एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, अगर पर्टिकुलर एक एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगे, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में नहीं कह रहे, ध्यान सुनना, डिफरेंट फॉर्म में कह रहे हैं हम, जैसे कि कार्बन डायमंड, कार्बन ग्रेफाइट। हाँ, कार्बन डायमंड इज सॉलिड, कार्बन ग्रेफाइट इज ऑल्सो सॉलिड, वेरी डिफरेंट फिजिकल स्टेट, बोथ आर सेम फिजिकल स्टेट, बट इन कार्बन डायमंड कार्बन आर अरेंज इन वेरी वेल थ्री डायमेंशन नेटवर्क, दैट्स वाई इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल एलिमेंट और सब्सटेंस, वाइल इन कार्बन ग्रेफाइट कार्बन्स आर अरेंज्ड इन एमॉर्फस फॉर्म, इन इनडेफिनिट अरेंजमेंट, दैट्स वाई इट इज ग्रीसी या स्लिपरी इन नेचर, वो चिकना होता है। तो दोनों की फिजिकल फॉर्म तो, फिजिकल स्टेट तो सेम है। सुनना बहुत जरूरी है, ध्यान रखो, लिखने से भी ज़्यादा सुनना जरूरी है। अगर आपने पूरी साल ध्यान से सुना होगा तो बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। सुनना बहुत जरूरी है, अगर एक ही एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करने लगे तो हम उसको कहते हैं वो एलिमेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म में है, और जितने उसके फिजिकल फॉर्म्स होंगे वो कहलाएंगे एलोट्रॉप्स। और एलोट्रॉप्स में किसी एलिमेंट के पाए जाने का फिनोमिना विल कॉल्ड एलोट्रॉपी। कार्बन एक फेमस एग्जाम्पल है जो हर जगह दिया जाता है, इसके अलावा दूसरे एलिमेंट के भी एलोट्रॉप हैं। सल्फर इज फाउंड इन ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म, मोनोक्लिनिक फॉर्म, कोलाइडल फॉर्म, यानी और भी उसके फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉस्फोरस इज फाउंड इन वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, तो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो, लेकिन तीनों में प्रॉपर्टी बहुत अलग अलग है। जो आपका वाइट फॉस्फोरस है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि अगर रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हुआ और आपने उसको खुला छोड़ दिया तो उसकी वेपर बनने लगेगी और वो चमकती हुई उसमें आग लग जाएगी, ऐसा लगेगा आपको प्रतिदीप्ति हो रही है, जैसे कोई धुआं उठ रहा हो और वो जल रहा हो, फॉस्फोरेंस, दैट्स वाई फॉस्फोरस कॉल्ड, दैट्स वाई इट कॉल्ड फॉस्फोरस। तो एक ही एलिमेंट अगर डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट कर, देखो हम बार बार डिफरेंट फॉर्म बोल रहे हैं, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म नहीं बोल रहे हम। एक ही एलिमेंट अगर बार बार डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगे तो हम कहेंगे भैया ये एलोट्रॉप शो कर रहा है। एक ही एलिमेंट हम बार बार बोल रहे हैं, एक ही एलिमेंट, किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी नहीं है, किसी मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी नहीं है, एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। और इस फिनोमिना को बोलते हैं हम एलोट्रॉपी। लिखिए इसमें, अच्छा थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। डिफरेंट फॉर्म्स में है, डायमंड और ग्रेफाइट के एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी कि नहीं होगी? यस, डायमंड इज वेरी हार्ड, ग्रेफाइट इज स्लिपरी, डायमंड इज बैड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, डायमंड इज इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट, ग्रेफाइट इज इनसॉल्युबल इन ऑर्डिनरी सॉल्वेंट। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी,
इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई अबव 3000 डिग्री सेल्सियस, इसका भी हाई है लेकिन वेरी लेस लोअर देन डायमंड। डायमंड की डेंसिटी बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है, दैट्स व्हाई इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, 3.51 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर जिसकी डेंसिटी कहीं कहीं 3.35 लिखी हुई है, और इसकी डेंसिटी आपकी 2.26, कहीं कहीं 2.25 लिखी है, कहीं कहीं 2.3 लिखी हुई है, 2.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंट। तो ये क्या सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल डेंसिटी है या फिजिकल प्रॉपर्टी? तो देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, तो क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी कि डिफरेंट होगी? केमिकल प्रॉपर्टी जनरली इनकी सेम होती है, रीजन ये दोनों किससे बने हैं, उसी से बने हैं, तो जनरली हम ये नहीं कह रहे कि सभी, जनरली सेम होती है। लिखिए when a particular element exist when a particular element exist in different when a particular element exists in different forms having different physical properties, but almost similar chemical properties when a particular elements exist स्थापित होता है इन डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डायमंड क्रिस्टलाइन है, ग्रेफाइट एमोर्फस है, बहुत फर्क है। एमोर्फस मतलब इनडेफिनेट अरेंजमेंट, क्रिस्टलाइन मतलब डेफिनेट अरेंजमेंट। डायमंड किसी में भी नहीं घुलता है, ग्रेफाइट बहुत हार्ड केमिकल होगा तो घुल जाएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी तो है, सॉल्युबिलिटी या फिजिकल प्रॉपर्टी। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ग्रेफाइट का डायमंड से कम है, तो ये फिजिकल मेल्टिंग पॉइंट या फिजिकल प्रॉपर्टी। तो व्हेन अ पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज उसकी डिफरेंट, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे अगर डायमंड को जला दिया जाए तो वो भी CO2 बनाएगा, और ग्रेफाइट को जला दिया जाए तो वो भी CO2 बनाएगा। तो व्हेन अ पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट ऑलमोस्ट लगभग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज then such forms of an element are called allotropes. Then all such forms of an element are called allotropes. And
the phenomenon and the phenomenon is called allotropy, called द फिनोमिनन इज कॉल्ड एलोट्रॉपी. सिद्धार्थ क्लियर कॉन्सेप्ट? एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स एलोट्रॉप्स. एलोट्रॉप्स की खास बात क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है. फिर से ध्यान रखना, ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, ना ही मॉलिक्यूल की है, ना ही कंपाउंड की. एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स हो जाएंगे तो वो एलोट्रॉप्स आपके कहलाएंगे. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखें हम, तो एग्जाम्पल में अगर हम फास्फोरस लिखें तो फास्फोरस वाइट, फास्फोरस रेड एंड फास्फोरस ब्लैक. अब इसमें एक खास बात है कि ये दोनों तो नेचुरल हैं लेकिन ये आर्टिफिशियल है और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव. फास्फोरस वाइट जो है वो बहुत रिएक्टिव है. अराउंड इसका इग्निशन टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस. 30 डिग्री सेल्सियस पे बर्न होने लगता है जी. इसका इग्निशन टेम्परेचर है ज्वलन ताप. रेड फास्फोरस बहुत ज़्यादा स्टेबल है. इसका इग्निशन टेम्परेचर अराउंड, देखिए डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट जगह कहीं लिखा हुआ, कहीं 260 डिग्री सेल्सियस लिखा है, कहीं 270, कहीं 300, तो हम ऐसा रेंज में लिख देते हैं जी. इसका इग्निशन टेम्परेचर जनरली क्लास 11th में आपके फास्फोरस के फॉर्म्स नहीं पूछे जाते हैं, कार्बन के पूछे जाते हैं, तो हम उसमें आते हैं. ठीक है ना, इसकी स्ट्रक्चर होती, अब इस पर हम चर्चा करेंगे तो देखो फिर बहुत कुछ है बताने के लिए. जैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल, इसकी होती है पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर होती है. ये टॉक्सिक है नेचर में और ये टॉक्सिक नहीं है नेचर में. बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी. ब्लैक हाईली स्टेबल, उसका इग्निशन टेम्परेचर नहीं है. इग्निशन टेम्परेचर जिस जो चीज आग पकड़ लेती है उसका होता है. ये नहीं पकड़ता, इसको जलाना पड़ता है. किसकी? पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर होती है इसकी. पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर होती है इसकी. पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर होती है इसकी. पॉलीमेरिक इस प्रकार से बनता है, पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर. ये सब अभी लिखने की, कोई लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, हमेशा काम देंगे, बाकी अभी आपके काम के नहीं है. ये अगर फास्फोरस का सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन से रिएक्शन करा दिया जाए तो एक गैस बनती है जिसका नाम है फॉस्फीन, PH3, है ना. तो बहुत सारी प्रॉपर्टी, इसकी डेंसिटी होती है 2.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसकी होती है 1.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो ये आपके क्लास 12th का है, तो इस पर नहीं करते. अब हम आते हैं कार्बन के एलोट्रॉप्स में. ठीक है ना, तो कार्बन के अगर हम एलोट्रॉप्स देखें तो कार्बन पहले नंबर तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. एक तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट हो जाए, बहुत अच्छा, बिल्कुल पार्टिकल ऐसे अरेंज हो जैसे कि बिल्कुल उनको हिलना नहीं है, एक एक पार्टिकल को चुन चुन के सेट करके फिट हुए बिल्कुल. हाँ, अभी लिखवा दे, बिल्कुल सेट होते जाए पार्टिकल, बिल्कुल फिक्स. तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को बोलते हैं क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट. और ये बहुत हार्ड होते हैं क्रिस्टलाइन. और कैसे भी अरेंज हो रहे हैं रैंडमली, कैसे भी अरेंज हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म, या उसी को बोलते हैं एमॉर्फस फॉर्म.
जो amorphous solid होते हैं आप उन्हें जनरली ऐसे भी पहचान सकते हो, वो ट्रू सॉलिड नहीं होते हैं। जैसे प्लास्टिक कोई कह दे तो वो ट्रू सॉलिड नहीं है, amorphous solid है। कोई रबड़ कह दे, सॉलिड क्या होता है, हार्ड, रबड़ इलास्टिक है तो वो हार्ड नहीं है। तो ऐसे आपके amorphous जो होंगे ना वो सही में सॉलिड नहीं होते हैं, इनको कहा जाता है कि ये स्यूडो सॉलिड है, नॉट अ ट्रू सॉलिड। तो amorphous दो फॉर्म में, क्रिस्टलाइन फॉर्म में अगर हम इसकी बात करें तो पहला है डायमंड। आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया है कि डायमंड इज अब एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्रिस्टलाइन और amorphous, इट इज अ क्रिस्टलाइन। दूसरा है ग्रेफाइट, ये दोनों नेचुरल हैं, बोथ आर नेचुरल। हाँ, क्रिस्टलाइन। थर्ड है फुलेरीन, बट इट इज आर्टिफिशियल फुलेरीन, ये आपका आर्टिफिशियल है। इट इज एन आर्टिफिशियल एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब देखिए बहुत छुपे क्वेश्चन हैं जो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि पूछ लिए गए हैं। हर एक की कुछ ना कुछ खासियत है। पहले नंबर डायमंड की खासियत है कि नेचुरल हार्डेस्ट है, फिर से बोल रहे हैं हार्डेस्ट नहीं है, नेचुरल हार्डेस्ट है। तो अगर नेचुरल हार्डेस्ट पूछ लिया जाए तो देन डायमंड। डायमंड से भी हार्ड मटेरियल है जैसे बोरोन कार्बाइड, इज हार्डर देन डायमंड। तो नेचुरल हार्डेस्ट है जो इसकी खास बात है। अब आपसे कह दें कि ग्रेफाइट की कोई एक खासियत, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। ये बात ध्यान रखिएगा, तीन बॉन्ड बनाता है। और फ्लोरीन की एक बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखिए आज ही जाके बुक उठाइएगा तो लिखा होगा डायमंड इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, लेकिन गलत है, फ्लोरीन इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। प्योरेस्ट एलोट्रॉप फ्लोरीन है, सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म अगर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का है तो दैट इज फ्लोरीन, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, इट इज अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तीनों के बारे में स्टडी करते हैं। अगर amorphous में बात कर लें तो amorphous में चारकोल, क्या आप लोगों ने चारकोल कभी देखे हैं? कैंडल देखी है जो वाटर प्यूरिफायर की आती है नॉर्मली, उसमें क्या लगा होता है, चारकोल। गैस मास्क देखे हैं, गैस मास्क में भी क्या लगा होता है, चारकोल। आजकल तो कई फेस वॉश भी आने लगे जिसमें चारकोल लगा होता है, इसलिए कि चारकोल बहुत अच्छे अब्जॉर्बर है इम्प्योरिटीज के, वो चीज़ों को इम्प्योरिटीज को अपनी तरफ खींचते हैं और उनको बाइंड कर लेते हैं। तो चारकोल, चारकोल लकड़ी का भी होता है, लकड़ी को जला दो तो जो वो क्यूला सा बनेगा वो बुट चारकोल हो गया आपका। चारकोल आपका बोन का भी बनता है, हड्डी का, हड्डी को डेस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा उसकी इम्प्योरिटी निकाल ली जाती है, फिर उसका पाउडर बना लिया जाता है, उस पाउडर से शुगर को साफ किया जाता है। आप लोग जो भी अच्छी खासी शुगर खाते हो सब बोन चारकोल से प्यूरीफाई होके आई है, तो वो बहुत अब जी ऑब्जॉर्बर है इम्प्योरिटीज की, बोन चारकोल, एनिमल्स के बोन से बनता है वो। ब्लड चारकोल, ब्लड से भी चारकोल बनता है, ब्लड को पूरा ड्राई कर दिया जाता है फिर रेड ब्लड कलर का पाउडर बनता है, तो ब्लड चारकोल भी होता है। शुगर से बनता है चारकोल, शुगर की रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक एसिड से करा दीजिए प्योर कार्बन के पाउडर मिल जाएंगे आपको, तो वो शुगर चारकोल होता है। तो चारकोल कई तरीकों से बनता है। amorphous फॉर्म है। इसके अलावा लैम्प ब्लैक, इसको तो हर एक दादी नानी जानती है, बता सकते हो क्या है लैम्प ब्लैक? यस, काजल है, ये वही है जो दीपावली के दिन या किसी त्यौहार के दिन दियो को उल्टा रख दिया जाता है, उसमें काला काला छपता है, दिस इज अ लैम्प ब्लैंक।
ये वही है, मिनरल ऑयल को बर्निंग करने से मिलता है एक काजल आपका, लैम्प ब्लैक, इसको सब लोग जानते हैं लैम्प ब्लैक। इसके अलावा कोक, कोल, कोक गैसेस और भी कई सारे आपके चारों कोल है। एंथ्रा एंथ्रासाइट इज अ वन टाइप ऑफ स्टोन। वन टाइप ऑफ स्टोन है लेकिन कार्बन का स्टोन है, बर्निंग के पर्पज से यूज किया जाता है, आग जल्दी नहीं पकड़ता है, बहुत टाइम लगता है। लिमोनाइट ये जो ऑल्सो वन टाइप ऑफ स्टोन ऑफ कार्बन, जिसको भी बर्निंग की जाती है, आप लोगों ने देखे होंगे जो वो भट्टी वगैरह में रोटी बनाते हैं। खाने में भी जो भट्टी लगती है उसमें भी आपके कार्बन के क्यूला के स्टोन लाके आते हैं ना वो। अब ये तो नहीं पता वो एंथ्रेसाइट है कि लिमोनाइट है, लेकिन वो भी एक प्रकार का स्टोन ही होता है कार्बन का। चलिए तो सबसे पहले कॉलम बनाइए, एक साइड लिखिए डायमंड, दूसरे साइड लिखिए ग्रेफाइट। एक साइड लिखिए डायमंड, दूसरे साइड लिखिए ग्रेफाइट। सबसे पहले नेटवर्क की बात कर ले, तो इसका नेटवर्क कैसा होता है? अरे स्वाति क्या हो गया, महक संभाल ही रही। इसका नेटवर्क 3D है, थ्री डायमेंशन नेटवर्क, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस से इसको देख सकते हो आप। और इसका नेटवर्क है 2D, किसी भी एक्सिस से देखोगे तो एक पोर्शन नहीं दिखाई देगा आपको। तो इसका नेटवर्क है 2D, ये टू डायमेंशनल है, या तो लेंथ विथ देख लो तो हाइट नहीं दिखेगी, हाइट लेंथ देख लो तो विथ नहीं दिखेगी, कोई टू डायमेंशन देख पाओगे आप इससे? इसकी लेंथ विथ हाइट तीनों देख सकते हो आप किसी भी डायमेंशन से। तो एक 3D होता है वो 2D होता है, ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन देखना है इसमें, हाँ एक बार और बोलो सिद्धार्थ। अरे बेटा तुमने बिल्कुल मन में ठान के रखो है कि यार सर को हम छोड़ भी ना पूरी। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ध्यान रखिएगा, ईच कार्बन कंबाइन विद 4 अदर कार्बन, प्रत्येक कार्बन 4 अलग कार्बन से अटैच होता है, हर एक कार्बन, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। इसमें sp3 स्टेरिक नंबर कितना आ रहा, 4। ये तक पूछा गया है कि डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच होता है, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहीं पिछला ध्यान आ गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 4। ध्यान रखिएगा वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो sp3 कहीं इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है क्या? कार्बन के 4 होते हैं 4 बॉन्ड, इसलिए क्या है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें देखिए हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन देख ले हम, तो S का 1 और P का 2, sp2, प्रत्येक कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच होता है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, तो इसके पास क्या बच गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। कोई पूछ ले कि नॉन मेटल का नाम बताओ जो कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो आंसर होगा कार्बन नहीं, कार्बन ग्रेफाइट, आंसर होगा कार्बन ग्रेफाइट, ध्यान रखिएगा। सब बनाना है बेटा एक एक चीज,
देखिए इंसुलेटर है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इंसुलेटर है। दो नंबर में शॉर्ट नोट आ सकता है कि वाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंपली लिखना है ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, वेरी गुड नहीं बोला है, गुड है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ए वाले क्वेश्चन का आंसर दिखाओ, क्या एक टेम्परेचर का कंडक्टर है? इज इट अ डायमंड इज अ कंडक्टर ऑफ टेम्परेचर, हीट कंडक्टर है? आंसर है यस। लेकिन टेंथ में भी पढ़ा है कि डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेवेंथ की भी कई बुक्स देखोगे, अब हम कैमरे पे नाम लेना नहीं चाहते किसी बुक्स का, ठीक है ना, तो इलेवेंथ की भी आप बुक्स देखोगे, अब ये स्पॉट पे हम बता सकते हैं किस पेज नंबर पे जाके देखोगे तो लिखा होगा बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि ये गलत है, नेट पे डाल के देखना। बहुत अच्छा कंडक्टर है पूरे नेटवर्क में, जबकि इतना अच्छा नेटवर्क ग्रेफाइट में नहीं पाया जाता है। ग्रेफाइट में एक सीट पाई जाएगी, फिर दूसरी उससे, फिर नीचे वाली पूरी अलग हो जाएगी वैन डर वाल फोर्स से। तो ये बहुत अच्छा कंडक्टर है हीट का, थर्मली कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हेलो नमस्ते, बताइए नीरज। हाँ आना है, कल आए तो थे? अरे कल तुम्हें होमवर्क भी तो दिया है, भूल गए, कल नाम नेमिंग पढ़ी थी हमने, आईयूपीएससी नेमिंग, आईयूपीएससी नेमिंग नहीं पढ़ी थी कल हमने, ध्यान करो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की। चलो हाँ 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 ठीक है। देखिए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड, ये बैड कंडक्टर नहीं है हीट का, ये सिर्फ कंडक्टर ऑफ हीट। नहीं सिर्फ कंडक्टर, ए है गुड, हाँ बना सकते हैं। अब देखो फिफ्थ पॉइंट, डेंसिटी रट लो बिल्कुल, डायमंड की डेंसिटी, डेंसिटी जो डायमंड की है वो है 3.51। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास या तो ग्राम में लो किलोग्राम में लो, अब डायमंड कहाँ किलोग्राम का मिलने वाला, तो डेंसिटी कितनी मास की ग्राम और वॉल्यूम की मीटर में, कहाँ मीटर भर का डायमंड मिलेगा, ठीक है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है इसकी डेंसिटी, याद कर लो उस डेटा को बहुत अच्छे से। इसकी डेंसिटी देखो, इसकी डेंसिटी 2.26 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कई जगह पे 2.3 भी लिखी हुई है। तो जे हो गई इसकी डेंसिटी। जे हो गई इसकी डेंसिटी। C
सिक्स नंबर कार्बन, कार्बन बॉन्ड लेंथ, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इसमें होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखिएगा, एक कार्बन से दूसरे कार्बन की जो इसमें बॉन्ड लेंथ है, एक कार्बन से दूसरे कार्बन की जो इसकी बॉन्ड लेंथ है, दिस इज 1.54 एंगस्ट्रॉम। और इसको अलग अलग यूनिट में लिख लोगे, पिकोमीटर में लिख लोगे इसे, बताओ कितने पिकोमीटर होगी? पिकोमीटर मतलब क्या, 10/12? यस सर। ये कितना रखा है, 10/10, तो दो आगे ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10/12। और 10/12 मतलब क्या, तो कितने पिकोमीटर हो जाएगी, 154 पिकोमीटर। माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में ले जाओगे, सीधा ध्यान रखो जितना आगे जाओगे उतना 10 के ऊपर माइनस साइन, और जितना पीछे जाओगे 10 के ऊपर उतना पॉजिटिव जोड़ना है। इसमें देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ, इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.41, लेकिन कहीं कहीं 1.42 लिखी हुई है, ध्यान रखिएगा, तो 1.41 एंगस्ट्रॉम होती है। एक कार्बन से दूसरे कार्बन की जो इसमें बॉन्ड लेंथ है, दिस इज 1.41 एंगस्ट्रॉम और 141 पिकोमीटर, है ना। ये हो गई इसकी, ये बिल्कुल प्रीसियस डेटा है, एक एक डेटा याद होना चाहिए आपको। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी जीरो होती है, डायमंड की ग्रेफाइट की? ग्रेफाइट की। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है ना? yes, थर्मोडायनेमिक्स में हमने बताया था कि किसकी होती है, ग्रेफाइट की। तो ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, ऑफ कार्बन डायमंड, ऑफ कार्बन डायमंड पूछ लिया गया है एग्जाम में, नॉट इक्वल टू जीरो, इसकी जीरो नहीं होती है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा चुके हैं हम आपको। और एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट अज्यूम टू बी जीरो इज इक्वल टू जीरो। एक क्वेश्चन का आंसर यहां जितने भी बैठे हैं कोई भी अगर बताए तो खुशी बहुत होगी हमें। ज्यादा स्टेबल थर्मली कौन है? तुमने जानबूझ के उल्टा बोला, तुमने कैच कर लिया कि सर ऐसा बोल रहे हैं तो उल्टा ही बोलना है। थर्मली मोर स्टेबल कौन है, थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल कौन है, डायमंड की ग्रेफाइट। तो देखो अभी तो हमने आपको हिंट दे दी तो आप लोग ग्रेफाइट में आ गए, लेकिन एग्जाम में हम डायमंड ही करके आते हैं क्योंकि हमें तो पता है कि डायमंड कैसा है, हार्डेस्ट, तो मोस्ट स्टेबल। थर्मोडायनेमिकली ये देखा गया है कि ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड, ये ध्यान रखिए, ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल है डायमंड से। जितनी आसानी से डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है उतनी आसानी से ग्रेफाइट डायमंड में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें हाँ ग्रेफाइट से तो बनता है डायमंड, जहाँ ग्रेफाइट की माइंस होंगी उसके नीचे डायमंड सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको, जैसे गोलकुंडा माइंस इन कर्नाटका फेमस है डायमंड के लिए, और हमारी NMDC पन्ना डायमंड माइंस खूब निकल रहे, अभी निकला एक का 23 लाख का। चलिए लिखिए, थर्मो
डायमंड इज लेस स्टेबल इज लेसर स्टेबल थर्मोडाइनेमिकली डायमंड इज लेसर स्टेबल देन ग्रेफाइट. थर्मोडाइनेमिकली ग्रेफाइट मोर स्टेबल देन डायमंड. थर्मोडाइनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड. ये बात ध्यान रखिएगा. लगभग सभी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हो चुके हैं. अब तो अगर हम कोई भी पॉइंट लिखवाएंगे तो वो मतलब ऐसे पॉइंट बढ़ाने के लिए नंबर मिल जाएंगे उन पॉइंट में, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से अब कोई खास पॉइंट नहीं बचे हैं. ठीक है, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, वो उसकी स्ट्रक्चर ना. तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से तो अब कुछ नहीं बचा इसमें, सब कुछ हो गया कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से. लेकिन फिर भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट लिखे जा सकते हैं. ठीक है ना, चलिए 9th नंबर का पॉइंट. ट्रांसपेरेंट हैव वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम क्या देखते हैं? पता क्या चलता है? वो तो उसकी आपने वो बता दिया कि किस प्रकार से ये आता है नज़र. वेरी हाई ट्रांसपेरेंट है वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देखिए कोई लाइट किसी पे आपकी कोई लाइट स्ट्राइक कर रही है, फिर पर्टिकुलर एंगल से वो अप्रोच करके वापस जाएगी, तो ये टेंडेंसी जिसमें जितनी ज़्यादा होगी वो उतना तेज़ी से चमकेगा. और इसको बढ़ाया भी जा सकता है बाई कटिंग. डायमंड की कटिंग क्यों की जाती है, पर्टिकुलर शेप में क्यों डाला जाता है? उससे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बढ़ जाए. अब डायमंड जो निकाला गया है और एक बार उसकी पॉलिशिंग हो जाएगी तो आप देखना पॉलिशिंग डायमंड ज़्यादा चमकेगा. इसका कारण ये नहीं कि उसमें कोई चमकदार पदार्थ लगा दिया गया, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया गया. तो बहुत बढ़िया से कटिंग की जाती है तो उसमें जैसे ही लाइट पड़ती है तो अगर आप डायमंड अपने हाथ में पहने हो तो आपको ऐसा लगेगा, अगर बहुत अच्छा डायमंड है तो आपको ऐसा लगेगा कि छोटा सा जुगनू जला दिया किसी ने, बहुत शाइनिंग करता है शाइन आपके, तो जे कहलाता है उसका रिफ्रैक्ट. तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है. ट्रांसपेरेंट हैविंग वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इसमें देखिए लिखिए ओपेक है, इसका तो नाम मात्र का होता है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देखा है ना ग्रेफाइट, जिसने ना देखा हो तो पेंसिल की लीड देख लो, उसी प्रकार से होता है कुछ ग्रेफाइट. तो कैसा होता है ये? अपारदर्शी होता है, ओपेक होता है, ग्रेस होता है, ब्लैक किस ग्रेस होता है. अब ये पॉइंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से नहीं है, ये तो आप ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में
नंबर पाने हैं तो ये पॉइंट दे जाएंगे, हर एक पॉइंट नंबर देगा, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम से अब मज़ेदार पॉइंट नहीं है। हाँ पेंसिल नोक नहीं बेटा, पूरी पेंसिल है वेरी हाई एमपी, इसके भी हाई होते हैं लेकिन इसका जो एमपी होता है लोअर देन डायमंड, लोअर देन डायमंड, लोअर देन डायमंड। ये पॉइंट सिर्फ आपकी थ्योरी पर्पज से, किसी भी सॉल्वेंट में नहीं खुलता है, इनसॉल्युबल इन ऑल सॉल्वेंट्स। किसी भी सॉल्वेंट पे नहीं खुलता है। ए भी लगभग इनसॉल्युबल है लेकिन ऑर्डिनरी सॉल्वेंट में, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस में घुल जाएगा ये। इनसॉल्युबल इन ऑर्डिनरी, यस इन ऑर्डिनरी सॉल्वेंट्स, हाँ उससे भी पहले घुल जाएगा। इनसॉल्युबल इन ऑर्डिनरी सॉल्वेंट्स, हाँ यहां देखो इनर्ट ये रिएक्ट नहीं करता है, इनर्ट है ये, मोर रिएक्टिव देन डायमंड, ये डायमंड से तो ज्यादा रिएक्टिव है। यस क्या लिख सकते हैं, नहीं नोबल नहीं है, नोबल मतलब हर कंडीशन, मतलब आइडियल कह सकते हो लेकिन फिर भी इनर्ट, मोर रिएक्टिव देन डायमंड। पहला पॉइंट क्या लिखवाया था हमने, सबसे फर्स्ट पॉइंट बताना। चलो मोर रिएक्टिव देन डायमंड, नेचुरली हार्डेस्ट हो गया ही? नहीं हुआ, नेचुरली हार्डेस्ट कहाँ लिखा है, नहीं होगा वो वहाँ, उस वहाँ लिखवाया था स्टार्टिंग में, नेचुरली हार्डेस्ट सॉफ्ट, सॉफ्ट का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल मुलायम है, डायमंड से बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्ट एंड ग्रीसी, चिकना ग्रीसी या स्लिपरी ले सकते हो, सॉफ्ट एंड स्लीपी इन नेचर, सॉफ्ट एंड ग्रीसी इन नेचर। ये सभी पॉइंट्स के नंबर है, हर एक पॉइंट के बना देते हैं बेटा, स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। आई थिंक इनफ है, अब इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत हो गए। हाँ नहीं फिर हमें बना बना के लिखवाने पड़ेंगे, क्या मतलब अब, हाँ क्या रिकॉर्ड बनाना है। नेचुरली हार्डेस्ट तो वैसे पॉइंट होने भी तो चाहिए हमारे पास, अब हम इसमें क्या लिखवा दें। तेरह पॉइंट है, डायबी स्ट्रक्चर बन रहा है ना। चलिए आवाज नहीं, आवाज नहीं, यस यस Thank you.
नाउ हर एक पॉइंट पे कार्बन है और एक कार्बन फोर दूसरे कार्बन से अटैच है, ये बात ध्यान रखना। पूरा उसको शो करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा शो कर दो, ठीक है। हर एक पॉइंट पे कार्बन है और हर एक कार्बन फोर दूसरे कार्बन से अटैच है, तो ये यहाँ हो गया, ये यहाँ, ये यहाँ, कुछ शो कर दो, सबको शो करने की जरूरत नहीं है। हर एक पॉइंट पे कार्बन है और एक कार्बन फोर अदर कार्बन से अटैच है, हर एक पॉइंट पे कार्बन है और एक कार्बन, देखो एक दो तीन चार है ना, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, हर एक पॉइंट पे कार्बन है और एक कार्बन फोर अदर कार्बन से अटैच है, ये भी अटैच है, सब अटैच है। हर एक पॉइंट पे कार्बन है और एक कार्बन फोर अदर कार्बन से अटैच है, बहुत जाइंट नेटवर्क है। कितना बनाओगे आप, बनाते बनाते थक जाओगे, बहुत जाइंट नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। हर एक पॉइंट पे कार्बन है और एक कार्बन चार अदर कार्बन से अटैच है, ऐसे आप कितना भी नेटवर्क बना सकते हो, बस इतना ही रखना है। अब इसकी एक यूनिट की स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, ठीक है, एक यूनिट की स्ट्रक्चर देखेंगे हम, ठीक है। तो कोई एक यूनिट पकड़ लेते हैं, कहाँ से पकड़ लें, यहाँ से पकड़ लेते हैं, यहाँ से, ठीक। तो ये पकड़ ली हमने, तो एक यूनिट का फॉर्म पूछ ले तो टेट्रा हेड्रल। एक कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, फोर, फॉर्म फोर ईच कार्बन, ईच कार्बन फॉर्म फोर कोवेलेंट बॉन्ड। प्रत्येक कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड लेंथ थोड़ी देर पहले बताई है, 1.54 एंगस्ट्रॉम, ध्यान रखिए। ईच कार्बन फॉर्म फोर कोवेलेंट बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन पूछ ले किसी भी कार्बन का, इसमें निकाल के बता दोगे कौन, sp3। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ये बहुत अच्छा कंडक्टर हीट का यही है क्योंकि इसकी बहुत जॉइंट नेटवर्क है। यहाँ हीट सप्लाई करोगे तो ये ऐसे 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 करता जाएगा, ये भी आपस में जुड़े हैं, सब कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है। तो ये हो गई डायमंड की स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। जितने दो चार जगह शो कर दो, सब शो करने की जरूरत नहीं है, दो चार। तुमने पिंड अप कौन सी बना दी थी, हीरा है सदा के लिए, क्या सर ये वाली बना दी थी क्या, चलिए इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। कितनी भी हेक्सागोनल सीट बना सकते हो, कितनी भी, जितनी भी हेक्सागोनल सीट बना, बिल्कुल इसमें देखना नहीं है, कहीं से भी बना सकते हो, कितनी भी हेक्सागोनल सीट, कितनी भी हेक्सागोनल सीट बना सकते हैं आप, जिनके कुछ नहीं बनाना है, यहाँ भी, यहाँ भी, सब जगह, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह है,
लेकिन सबसे बड़ी खास बात यह है कि डायमंड पूरा एक कनेक्टेड नेटवर्क है, लेकिन एक कनेक्टेड नेटवर्क नहीं है, इसमें एक हेक्सागोनल शीट फिर उसके बीच में गैप है, फिर दूसरी हेक्सागोनल शीट फिर गैप, फिर और ये दो शीट के बीच में होते वीक वैन डर वाल फोर्सेस, इसी कारण ये सॉफ्ट होता है और ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बनाई हमने। और देख, ऐसा नहीं कि जैसे हम बना रहे वैसे, कहीं से भी कितनी हेक्सागोनल शीट बना सकते हैं आप। आगे पीछे से भी कोई दिक्कत नहीं, ये कोई एंड थोड़ी हुआ है, और बनती जाएंगी बनती जाएंगी। अब आपको सभी एक बात ध्यान रखनी है, लिंकेज के समय जो इसका पकड़ोगे कार्बन, वही कार्बन से इसकी लिंकेज करनी है। जैसे अगर हमने इसका ये वाला पकड़ा तो आप यहाँ से लिंकेज नहीं कर सकते, आपको इसी कार्बन से लिंकेज करनी पड़ेगी इसके भी। जी जी ऐसे, जैसे हमने इसका ये पकड़ा तो फिर इस रिंग का भी यही पकड़ना पड़ेगा या ये वाला पकड़ना पड़ेगा। जैसे इसका ये वाला पकड़ा तो इसका भी ऊपर वाला ही पकड़ना है, ऐसे ऐसे। जैसे इसका नीचे वाला पकड़ा तो फिर इसका भी नीचे ही वाला पकड़ना है, ऐसे। जैसे इसका ऊपर पकड़ा तो इसका भी ऊपर का ही पकड़ना है, फिर ऐसे। दो चार पांच छह लिंकेज शो कर दो, सब शो करने की जरूरत नहीं होती है। इस वाले में बना दे एक हाथ, तो यहां तो यहां, कहीं से भी कर दो। अब खास बात क्या है, पूछ लें कि डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो हेक्सागोनल सीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ग्रेफाइट की हेक्सागोनल और सीट, एक के ऊपर एक सीट जमी हुई है, तो इसकी होती है हेक्सागोनल सीट लाइक स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल सीट लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। और ध्यान रखिएगा, दो सीट के बीच में पाए जाते हैं VWF, इसका मतलब है वैन डर वाल फोर्सेस। और इसी के कारण ये सॉफ्ट होता है एंड ग्रीसी फोर्सेस, सबसे वीक फोर्सेस। और इसी के कारण पूछ ले क्यों सॉफ्ट होता है, तो इसी फोर्स सॉफ्ट एंड ग्रीसी, इन्हीं फोर्सेस के कारण सॉफ्ट एंड ग्रीसी। जी ये जो डॉट डॉट देख रहे, यहाँ तो कोवलेंट बॉन्ड है, और अगर इसकी कोई एक यूनिट पकड़ ले, जैसे ये वाली पकड़ लेते हैं, ठीक है, इस यूनिट को पकड़ लेते हैं, कोई एक यूनिट पकड़ लेते हैं, जैसे जे जे और जे, इस यूनिट को पकड़ लेते हैं, तो आप बहुत क्लियरली देख रहे होंगे कि एक यूनिट कितने कार्बन से अटैच हो रही है, तीन कार्बन से अटैच हो रहा है, तो प्रत्येक कार्बन तीन से अटैच होता है। तो अगर इस यूनिट को हम बनाएं तो एक कार्बन तीन अदर कार्बन से अटैच हो रहा है, इसका मतलब हर कार्बन के पास कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हर कार्बन के पास, और यह इलेक्ट्रॉन बढ़िया घूम फिर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है ना।
क्या? यस, ड्राई लुब्रिकेंट। बड़ी बड़ी मशीनों में जो ग्रीस व्रीस काम नहीं करते, वहाँ तो बोरा भर भर के ग्रेफाइट की पाउडर डाला जाता है। जैसे तुम कैरम खेलते हो तो कैरम में जो आपका स्ट्राइकर है उसके जो पाउडर डालते हैं ना, तो फ्रिक्शन को कम करता है। बड़ी साइंस है। ऐसी बड़ी बड़ी मशीनों की पट्टी, हाँ यस, तो इसी प्रकार बड़ी बड़ी मशीनों में ग्रीस व्रीस नहीं, ये सीधे बोरा भर भर के डाला जाता है ग्रीस। खूब बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो ग्राइंडिंग क्रशिंग की होती है, तो दो पट्टियों के बीच में फ्रिक्शन कम करता है। फ्री इलेक्ट्रॉन है इसलिए कंडक्टर है। हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेगा एक यूनिट का तो पता ही है, sp2। और अगर एक यूनिट की स्ट्रक्चर पूछ लेगा तो कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये हो गई आपकी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर। इसको पूरा कर लें, फिर थोड़ा सा और बचा है, फुल्ले दिन कल पढ़ लेंगे। नहीं आज तुम्हारा पेपर है ना, छोड़ रहे तुम्हें पढ़ना है आज ही। थोड़े से इसके यूजेज लिख लेते हैं इन दोनों के, और फिर फुल्ले दिन कल पढ़ लेंगे। यस, बोरवेल हाँ, ये तो नहीं पता बेटा, बोरिंग में यूज किया जाता है, कटिंग ऑफ बोरिंग्स, ग्रास कटर। तो यूजेज और लिख लेते हैं दोनों के। फर्स्ट देखिए, इन कटिंग डायमंड का, इन कटिंग ऑफ ग्लास एंड रोक बोरिंग्स, चट्टानों को काटने में, ग्लास को काटने में, कई सारे जो आपके दूसरे स्टोन हैं जो डायमंड से कम हैं, तो उनको पॉलिशिंग करने में भी, घिसने में भी डायमंड का काम होता है। इन पॉलिशिंग उनको चिपकाने में भी इसका यूज किया जाता है, पॉलिशिंग ऑफ जेम्स या अदर प्रीसियस स्टोन्स। थर्ड लिखिए, इन ऑर्नामेंट्स, आभूषणों में भी यूज होता है। हाँ, तुम बताओ। नाउ इंग्लिश, तो ऑर्नामेंट्स तो यूज करते हैं एंगेजमेंट में, प्योर डायमंड ले जाते तुम तो अपने मिले जाना, प्योर बुला लेना हम लोगों को, भूलना जाना, हम लोग मैं खूब नाचेंगे तुम्हारी नाच, इतना नाचेंगे गड्ढा हो जाएगा तुम्हें, ऐसा लगेगा जैसे भूकंप आ गया हो, फिर नब तो और उचक उचक। ये तो विश्वास है जो ना बुलाए, जो बहुत धोखेबाज इंसान है जो ना बुलाए। यू ग्रेफाइट के सबसे बढ़िया लुब्रिकेंट के रूप में यूज किया जाता है। लुब्रिकेंट समझते हो? यस सर। जो फ्रिक्शन को कम करता है वो लुब्रिकेंट होते हैं आपके। पर ध्यान रखिएगा, ड्राई सूखा लुब्रिकेंट है, पाउडर के रूप में यूज किया जाता है। तो आप ग्रेफाइट पाउडर ले सकते हो या फिर सीधे एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। पता है आप लोगों को, आप लोगों ने इलेक्ट्रोड वगैरह पढ़े हैं, सेल देखा, सेल yes, सेल को तोड़ो के बीच में क्या निकलती, काली काली रोड, वो किसकी बनी थी, ग्रेफाइट की। इसके अलावा बहुत सारे सेल पड़े होंगे, उसमें भी किसका इलेक्ट्रोड लगा रहता है, ग्रेफाइट का। अभी हमने आपको कार्सनर केलनर प्रोसेस पढ़ाई थी, उसमें भी ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड लगा था। एज अ इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि एक कंडक्टर है, एज अ इलेक्ट्रोड। किसी ने पढ़ी है लास्ट ईयर, कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है जैसे एनर्जी होती है, उसमें रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक तो हैवी वाटर का यूज करते हैं, D2O का, दूसरा ग्रेफाइट की रॉड का करते हैं।
एज अ मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्शन बस इतनी याद रखो। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका ड्राई लुब्रिकेंट और एक्टोड। तो ये आपका डायमंड ग्रेफाइट थोड़ा सा और एक मिनट दो मिनट और लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज तो हम बताने ही भूल गए। तुमने स्नीजिंग की और तुमने हाथ तक लगाया? तुम्हें अगर स्नीजिंग हो तो कल से स्नीजिंग नहीं है सर, आपसे बोल रहे हैं सर नहीं करवाएं। अच्छा तो उसमें ठीक मानते हैं। एक गलत बात है रोज, ऐसे में किसी को बीमारी हो जाएगी। फिर मान लो नहीं भी हुई तो इन्फेक्शन है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से लिख लो। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम बता चुके हैं कि थर्मोडायनेमिकली ज़्यादा स्टेबल कौन है? ग्रेफाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दूसरा, पहला लिखवा चुके हैं हम थर्मोडायनेमिकली वाला, कई बार पूछा गया है। ठीक है तो देखिए दूसरा, सल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन ऑयल कॉल्ड ऑयल डैग या ऑयल डॉग भी लिखा मिल सकता है। ऑयल डैग, सल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन ऑयल कॉल्ड ऑयल डैग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इन वाटर में कहलाता है कॉल्ड एक्वा डैग या एक्वा डॉग भी लिख सकते हो आप। एक्वा डैग ध्यान रखिएगा। दूसरा जो ग्रेफाइट है जिसको आप पेंसिल में यूज करते हो, पेंसिल से भी यूज करते हैं आप, उसका नाम है प्लम्बगू। एक एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है आपके, ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बस इतने ही थे। तो डायमंड ग्रेफाइट खत्म। कल हम पी ब्लॉक ही पढ़ेंगे और आफ्टर टुमारो हम करेंगे जंप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और हाइड्रोकार्बन्स में करेंगे जंप। ठीक है तो आज के लिए इतना ही था। आप याद रख सकते हो अच्छे से, इनको याद रखना। ठीक है अब हमारा तीसरा एलोट्रोप्स है क्रिस्टलाइन, दैट इज फुलेरीन। डाली हेडिंग फुलेरीन, या इसी को आप कह सकते हो वकी वॉल, या इसी को आप कह सकते हो बक मिनिस्टर, बक मिनिस्टर फुलेरीन, इसी को आप कह सकते हो बक मिनिस्टर फुलेरीन। फुलेरीन वकीवॉल और वक मिनिस्टर फुलेरीन आप इसको कह सकते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट अ नेचुरल एलोट्रोप्स। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द नेचुरल एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्रिस्टलाइन, और ये भी क्रिस्टलाइन है लेकिन कैसा है आर्टिफिशियल। तो लिखिए
इट इज एन आर्टिफिशियल इट इज एन आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल एंड प्योरेस्ट प्योरेस्ट एलोट्रॉप एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। अब एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप लोकल बुक्स पढ़ोगे आप तो उसमें लिखा है डायमंड इज द प्योरेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, दैट इज रॉन्ग। ध्यान रखिएगा, इसलिए आपको बता दिया कि आप लोग बाद में कंफ्यूज नहीं हो जाएं। फुलेरिन इज द प्योरेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, फुलेरिन सबसे ज्यादा प्योर एलोट्रॉप है कार्बन का। तो कभी भी आप आगे जाके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रहते हो तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि फुलेरिन आर्टिफिशियल है नॉट अ नेचुरल, डायमंड ग्रेफाइट आर बोथ आर नेचुरल इन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, वेल फुलेरिन इज एन आर्टिफिशियल दैट इज मैन मेड सिंथेटिक है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल। अब ऐसा नहीं कि नेचर में नहीं पाया जाता, स्टार्टिंग में जब आप कह सकते हो कि अर्थ क्रस्ट में भी ये एग्जिस्ट करता था, लेकिन मेनली अभी आपका बनाया जाता है आर्टिफिशियली, ठीक है ना। दूसरा प्योरेस्ट है, प्योरेस्ट वन है आपका, ध्यान रखिए प्योरेस्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। इसी के नीचे से लिखेंगे फिजिकली फिजिकली फुलेरीन फुलेरीन अपेयर्स अपेयर्स लाइक अ डस्ट पार्टिकल्स डस्ट पार्टिकल्स। फिजिकली फुलेरीन अपेयर्स लाइक अ डस्ट पार्टिकल इन विच कार्बन एटम्स इन विच कार्बन एटम्स। देखिए कभी भी आप स्पेसिफिक एलिमेंट को लिखते हो तो सिंगल इन्वर्टेड कोमा में क्लोज कर दिया करो, जिसमें उसको पता चल जाए कि आपने इसको पर्टिकुलर कोई सिंबल को लिखा हुआ है, फुलेरिन या फिर पूरा कार्बन ही लिख दो। फिजिकली फुलेरिन अपेयर्स लाइक अ डस्ट पार्टिकल इन विच कार्बन एटम्स आर इन विच कार्बन एटम्स आर फाउंड इन क्लस्टर क्लस्टर फॉर्म फाउंड इन क्लस्टर गुच्छे में पाए जाते हैं, फाउंड इन क्लस्टर फॉर्म लाइक क्लस्टर ऑफ C60 and C70। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, जो फुलेरीन है एक आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है और प्योरेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। हो सकता है कि स्कूल लेवल पे टीचर आपके इस पॉइंट को गलत कर दे प्योरेस्ट, तो उसमें उनकी गलती नहीं होगी क्योंकि जो स्टेट बोर्ड की बुक्स है उसमें डायमंड प्योरेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में फुलेरिन जी प्योरेस्ट, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो इट इज एन आर्टिफिशियल प्योरेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है ध्यान रखिएगा। फिजिकली मगर आप इसको देखोगे तो आपको ऐसे लगा कि जैसे धूल पड़ी हुई है, दिखने में डस्ट लाइक पार्टिकल्स है। फिजिकली फुलेरिन अपेयर्स लाइक अ डस्ट पार्टिकल, डस्ट लाइक लगेंगे, ऐसे लगेंगे आपको जैसे धूल के कण डले हुए, तो डस्ट लाइक पार्टिकल वैसे गोल गोल छोटे छोटे से पार्टिकल रहते हैं इसके। और खास बात है कि इनमें जो कार्बन एटम्स अरेंज होता है वो गुच्छों में अरेंज होता है, जैसे कि कार्बन के 60 का गुच्छा 70 का गुच्छा 60 and 70 क्लस्टर में गुच्छे में आ पाए जा रहे हैं आपके, एसोसिएट है बहुत ज़्यादा इस प्रकार से। जैसे हमने मान लीजिए पानी में आटा डाला और वो जाके पूरा चिपक गया तो गुच्छा बन गया आटे के पार्टिकल का, तो कुछ उस प्रकार से रहते हैं गुच्छे के फॉर्म में। तो फिजिकली फुलेरिन अपेयर्स लाइक अ डस्ट पार्टिकल्स,
देखने में धूल के समान दिखते हैं, लुक्स लाइक अ डस्ट। और इनमें जो कार्बन एटम्स अरेंज होते हैं, कार्बन एटम्स आर फाउंड इन क्लस्टर, गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, लाइक क्लस्टर ऑफ C60 and C70। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना है इसकी खास बात। अब इन्हीं क्लस्टर को हम देखते हैं, 60 और 70 के क्लस्टर को हम, ऐसा नहीं कि और क्लस्टर नहीं पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं, लेकिन सबसे फेमस तो C60 है, उसी को बकी वॉल कहते हैं। C70 नॉट कर बकी वॉल, ध्यान रखिएगा, बक मिनिस्टर फुल्लेरिन C60 को कहते हैं। इसका कारण ही यही है कि बक मिनिस्टर साहब ने इसको आर्टिफिशियली सिंथेसिस किया था, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बकी वॉल। तो अब हम क्या करेंगे, एक साइड लिखेंगे C60, दूसरे साइड लिखेंगे C70। एक साइड पढ़ेंगे हम C60 फुलेरिन को, और दूसरी साइड पढ़ेंगे हम C70। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कलर, पर्पल, वायलेट इन कलर, ना तो परफेक्टली आप पर्पल कह सकते हो, ना परफेक्टली वायलेट। अब यह आपके देखने पे निर्भर करता है कि आप इसको कैसे देखना चाहते हो। अब पर्पल महसूस करोगे, पर्पल लगेगी, वायलेट महसूस करोगे, वायलेट, बिल्कुल उसी के आसपास, पर्पल वायलेट इन कलर। और ये होती है रेड ऑरेंज इन कलर, अब आपके देखने पे कि आप उस ऑरेंज कलर को इतना देख रहे हो कि वो आपको रेड लगने लगा। ऑरेंज ही अगर डार्क हो जाए तो वो रेड की कैटेगरी में आ जाएगा आपका, तो रेड ऑरेंज इन कलर, रेड ऑरेंज इन कलर। ये देखने में होती है जैसे कि फुटबॉल, इसका स्ट्रक्चर देखें, तो इसका स्ट्रक्चर होता है लाइक अ फुटबॉल, फुटबॉल के जैसे दिखती है। अब धूल का पार्टिकल देखोगे, कहो फुटबॉल दिखे तो ना दिखेगी ना, एक्सरे डिफ्रैक्शन से जो इसकी स्ट्रक्चर आई है, नैनो टेक्नोलॉजी की द्वारा जो स्ट्रक्चर निकाली गई है, तो इसके डस्ट पार्टिकल ऐसे देखे गए हैं जैसे कि फुटबॉल की स्ट्रक्चर होती है, कुछ उसी प्रकार का अरेंजमेंट होता है इसका, तो लाइक अ फुटबॉल। और इसकी स्ट्रक्चर होती है ओवल शेप, दैट इज लाइक अ एग, ओवल शेप होती है। रग्बी बॉल देखी आप लोगों ने, पिक्चर देखी नमस्ते लंदन या कोई पिक्चर, हाथ में पकड़ के दौड़ते हैं, कुछ उस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इसकी, है ना, ओवल शेप। थर्ड, इसका कंपोजिशन देखें, तो इसके कंपोजिशन में ये है 6 कार्बन की रिंग, जिसको बोलते हैं हेक्सागन्स, हेक्सागन्स, इनके नंबर होते हैं 20, ये 20 पाए जाते हैं इनमें। और ये हैं पेंटागन्स,
ए पाए जाते हैं 12, सिक्स आर्म्स हैं उसमें, फाइव आर्म्स हैं। इसका कंपोजिशन देखें तो इसका कंपोजिशन अगर हम देखें तो इसमें जो हेक्सागन्स होते हैं वो होते हैं 25, और इसमें जो पेंटागन्स होते हैं वो भी 360 की तरह 12 ही होते हैं। दोनों में पेंटागन सेम है, हेक्सागन्स आर नंबर ऑफ हेक्सागन्स आर डिफरेंट। बाई सी 60 कंसे 20, बाई सी 70 कंसे 25 हेक्सागन्स। तो ये सी 60 और सी 70 के बारे में जनरल नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। हालांकि सबसे फेमस क्लस्टर टू सी 60 का है, दिस इज कॉल्ड वकी वॉल या बक मिनिस्टर फुलेरी। सिक्स आर्म के जो मॉलिक्यूल्स होंगे हेक्सागन्स वो इसमें 20 है, वाइल उसमें जो सिक्स आर्म के जो मॉलिक्यूल्स लिंक सब कार्बन है, हर एक पॉइंट पे कार्बन है, उसमें होंगे 25। पेंटागन्स दोनों में सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब इस टेबल को बंद करेंगे। ठीक है, फिर इसके नीचे से कुछ लिखेंगे। क्लोज कर लो अपनी टेबल को नीचे से और उसके नीचे से लिखो। पेंटागन्स ओनली कंबाइन विथ पेंटागन्स ओनली कंबाइन विथ हेक्सागन्स जो पांच आर्म्स की मॉलिक्यूल्स है कार्बन के, पांच कार्बन वाले हैं जो, वो सिर्फ सिक्स कार्बन से कंबाइन होंगे। मतलब एक पेंटागन दूसरे पेंटागन से कभी कंबाइन नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा एक पेंटागन अपने ही अपने किसी दूसरे पेंटागन से या किसी भी पेंटागन से कार्बन के अपनी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कंबाइन हो जाए, एक कभी, ये सिर्फ हेक्सागन से ही कंबाइन होगा। While hexagons, while hexagons combine with pentagons as well as together with each other। इसका मतलब ये हुआ ये अपने से भी कंबाइन होता है और साथ साथ पेंटागन से भी कंबाइन होता है। पेंटागन अपने से कभी कंबाइन नहीं होगा, मतलब दूसरे पेंटागन से कभी भी ये कंबाइन नहीं होगा। इट ओनली कंबाइन विथ हेक्सागन्स व्हाइल हेक्सागन्स कंबाइन विथ पेंटागन्स। हेक्सागन पांच कार्बन से तो कंबाइन होता है लेकिन वो अपने जैसे मॉलिक्यूल से भी क्या हो जाता है कंबाइन, एज वेल एज
pentagons, sorry, hexagons combine with pentagon as well as together with each other, एक दूसरे के साथ भी ये combine हो जाता है। इसके नीचे लिखेंगे, देखिए जितने भी cluster अभी तक पाए गए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जिसका यूज किया जाता है किसी भी फॉर्म में, जैसे एड्स के ट्रीटमेंट में या कैंसर के ट्रीटमेंट में या सुपर कंडक्टर की तरह जिसको यूज किया जाता है या लुब्रिकेंट के लिए, वो C60 ही किया जाता है यूज। ये सबसे फेमस बकमिंस्टर फुलेरिन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फुलेरिन इज इंसुलेटर, दैट इज इट इज बैड कंडक्टर। फुलेरिन कंडक्टर नहीं है, लेकिन एल्केली मेटल के साथ जो फुलेरिन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं जैसे K3C60 या फिर Na3C60, ये सुपर कंडक्टर है। कंडक्टर विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू इट, ऐसे सब्सटेंस जो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं, दे आर कॉल्ड कंडक्टर। कंडक्टर ऑल्सो पोजेस सब ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कंडक्टर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो एक रुकावट पैदा होती है उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। सुपर कंडक्टर वो होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जीरो होता है, मतलब इसमें रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज नहीं पाई जाती है। तो ऐसे कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, मतलब उनसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आसानी से बड़ी ईज से फ्लो कर जाती है, उनको कहते हैं हम सुपर कंडक्टर। तो इटसेल्फ इट इज इंसुलेटर बट इट्स मॉलिक्यूल विद एल्केली मेटल्स आर सुपर कंडक्टर। अब आपको ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि फुलेरिन पूछ ले तो बैड कंडक्टर और इंसुलेटर, लेकिन इसके एल्केली मेटल के साथ मॉलिक्यूल पूछ ले तो ये सुपर कंडक्टर है, है ना। तो चलिए इसी के नीचे से लिखिए, आउट ऑफ ऑल क्लस्टर ऑफ फुलेरिन C60 is very well known, इसको सब जानते हैं। Out of all cluster of fullerene, C60 is very well known. Also called Buckminster Fullerin, also called Buckminster Fullerin or Buckyball. जितने भी क्लस्टर अभी तक देखे गए हैं कार्बन के फुलेरिन के फॉर्म में, उसमें C60 सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा जाना जाता है अपनी लाइन में, इसी का यूज होता है। जिसको आप, क्योंकि बकमिंस्टर साहब ने इसको सिंथेसाइज किया था तो उन्हीं के नाम पे उनको रिवॉर्ड दिया गया कि उन्हीं के नाम पे इस क्लस्टर को रख दिया गया कि बकमिंस्टर साहब ने फुलेरिन बनाई थी, तो इसको तो पूछ ले किसको बकमिंस्टर फुलेरिन कहते हैं। ध्यान देखिए C60 इज कॉल्ड बकमिंस्टर फुलेरिन और बकीवॉल कहा जाता है। देखते हैं आखिर इसको बनाया कैसे गया, ठीक है ना। तो प्रिपरेशन मेथड देखते हैं, तो प्रिपरेशन मेथड क्या किया है, इसको बनाने के लिए ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये हैं ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड, कार्बन ग्रेफाइट, और इन इलेक्ट्रोड में बैटरी की हेल्प से बहुत हाई वोल्टेज पास किया गया। जब इतना हाई वोल्टेज पास किया गया तो यहाँ पर जो कॉर्नर है यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर डेवलप होगा, बहुत ज़्यादा कॉर्नर पे,
यहाँ पर, और इस हाई टेम्परेचर वाली पोजीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक आर्क। बिल्डिंग होते हुए देखी आप लोगों ने, वो ऐसे टिक टिक करता है, तो आप देखते हो कि जो वो सबसे कॉर्नर है वहाँ से मेटल आपका मेल्ट होने लगता है और वो वेल्डिंग करने लगता है। तो वो उस पोजीशन से मेल्ट क्यों होता है, पूरी हर जगह से मेल्ट क्यों नहीं होता, उसका रीजन है जब उसको टिक टिक करता है तो पूरा करंट लास्ट कॉर्नर पे आके बहुत हाई टेम्परेचर जनरेट करता है, जिसके कारण वो मेटल क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक आर्क, बिल्डिंग में होता है। उसने ऐसे ऐसे किया, उसका करंट जनरेट हुआ, और पूरे रॉड में नहीं होता वो जनरेट, लास्ट कॉर्नर पे सबसे ज़्यादा जनरेट होता है, तो वो इलेक्ट्रिक आर्क वहाँ से वो गलने लगता है। तो इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होता है ग्रेफाइट में, तो ये ग्रेफाइट वेपर के फॉर्म में चला जाएगा ऐसे ये, और फिर इसको यहाँ किसी मिक्सचर के कॉन्टैक्ट, आइस कोल्ड मिक्सचर के कॉन्टैक्ट में रख के इस वेपर को ठंडा कर लिया जाएगा, तो ये वेपर ऐसे ऐसे डस्ट लाइक पार्टिकल में आ जाएगी। तो इसमें से कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो C60 के रेंज में होते हैं, कुछ किसके रेंज में होते हैं, C70। तो इस प्रकार ग्रेफाइट भी एलोट्रॉप्स है कार्बन का, और फुलेरीन भी किसका एलोट्रॉप्स है, कार्बन का। तो ग्रेफाइट को किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, आपके फुलेरीन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ग्रेफाइट में अरेंजमेंट कैसा होता है, सीट लाइक, कल बताया था हमने। फुलेरीन में कैसा होता है, फुटबॉल लाइक और ओवल शेप। तो इस प्रकार ग्रेफाइट रोड से आप फुलेरीन बना लेते हैं। तो होता क्या है, जो कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट, इसको हीट किया जाता है, हीट, और जब हीट किया जाता है तो जो टेम्परेचर रखा जाता है वो रखा जाता है वेरी हाई, जब टेम्परेचर आप बहुत हाई रखते हो और जब इसको हीट करते हो, टेम्परेचर आप बहुत हाई रखते हो और इसको हीट करते हो तो इलेक्ट्रिक आर्क उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक आर्क आपका जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक आर्क। यहां ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिए, नहीं तो जब इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगा तो वहां पर आग पकड़ सकता है वो। तो ऑक्सीजन नहीं हो इसलिए वहां पर इनर्ट एटमॉस्फेयर रखा जाता है। अब जहां कुछ भी नहीं वहां एयर, और एयर में कौन क्या प्रेजेंट है, आपकी ऑक्सीजन, तो वहां पर इनर्ट एटमॉस्फेयर रखा जाता है, और इस इनर्ट एटमॉस्फेयर को जनरेट करने के लिए वहां पर इनर्ट गैसेस रखी जाती हैं, जैसे हीलियम, आर्गन, इनको रखा जाता है, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो जब इतना करते हैं तो कार्बन की वेपर बनती है, एक कार्बन वेपर्स के फॉर्म में आ जाता है। अब ये ग्रेफाइट नहीं रहा, क्योंकि ग्रेफाइट मेल्ट हो चुका है, तो ये वेपर्स के फॉर्म में आ चुका है, और ये कार्बन वेपर्स के फॉर्म में आ गया, इसको कंडेंस कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, कंडेंस कर लेंगे ठंडा, तो ये आपको मिल जाएंगे C60 के एंड C17 के क्लस्टर। तो आपको C60 C70 के क्लस्टर मिल जाएंगे, मीन्स फुलेरिंग मिल जाएंगी, C60 एंड C17, ये आपको मिल जाएंगे, मतलब हमारी फुलेरिंग बन जाएगी। फुलेरिंग तो दोनों खिलाती है, लेकिन बकी वॉल से भी खिलाती है। तो इस तरीके से आप इसको ग्रेफाइट से आप कन्वर्ट कर सकते हो फुलेरीन में। यूजेज देख लेते हैं, यूजेज तो पहला यूज है एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, जैसे कि ग्रीस हो गया, दे आर नॉट अ ड्राई लुब्रिकेंट, ऑयल हो गया, इट इज नॉट अ ड्राई लुब्रिकेंट। लेकिन जैसे आप कैरम पाउडर देखते हो वो कैसा लुब्रिकेंट है, ड्राई, जो फ्रिक्शन को कम करें, दे आर कॉल्ड लुब्रिकेंट। तो जैसे आपका कैरम पाउडर होता है उसी प्रकार से ग्रेफाइट और फुलेरीन दोनों ही ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है, एज अ ड्राई लुब्रिकेंट।
इसकी यूज करते हैं इसमें। दूसरा एल्केली मेटल के साथ जो इसके कंपाउंड होते हैं जैसे K3C60 एंड Na3C60 यूज्ड एज अ सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर। यहीं पर हम आपके लिए नोट लिख देते हैं, याद रहे, जो फुलिरिन इट्सेल्फ है बैड कंडक्टर है। फुलिरिन इज फुलिरिन इट्सेल्फ स्वयं, अगर आप फुलिरिन को देखोगे, फुलिरिन इट्सेल्फ वेट कंडक्टर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फुलिरिन स्वयं तो इंसुलेटर है, लेकिन उसके कंपाउंड एल्केली मेटल के साथ लाइक पोटेशियम और सोडियम के साथ बहुत अच्छे कंडक्टर है, नॉट कंडक्टर, सुपर कंडक्टर है। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा एड्स एंड कैंसर, हालांकि एड्स ऐसी डिसीज जो अभी तक क्योर नहीं हुई है, एड्स का जो वायरस है HIV, क्या होता है HIV का फुल फॉर्म? ह्यूमन नहीं बता रही ना दीपा, थोड़ा तेज बोलो दीपा, नहीं पता तो बोलो ना तेज, लो हम पास बोलो भाई, इतना खतरनाक वायरस है, क्योर नहीं है बीमार। कोरोना की तो वैक्सीन आपके एक साल में आ गई, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई, लेकिन इसकी वैक्सीन आने में, जो HIV की वैक्सीन आने में, ऐसा WHO कह रहा है कि उसको भी 25 साल और लग जाएंगे, लगभग 25 साल। तो ये डिसीज क्योर नहीं हुई है, प्रिवेंट भी नहीं की जा सकती है, बस कुछ समय तक उस व्यक्ति को दवाइयों की सहायता से ले जाया जा सकता है, ठीक है ना। तो एड्स एंड कैंसर ट्रीटमेंट भी यूज होता है, जरूरी नहीं कि ट्रीटमेंट से हर चीज सही हो जाए, कैंसर तो क्योर हो सकता है लेकिन एड्स क्योर नहीं होता है। इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड एड्स, फुलिरिन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, और यह आपका फुलिरिन का टॉपिक एंड। सिद्धार्थ तुम ब्लैक से हेडिंग नहीं डालते हो, क्यों सिद्धार्थ ब्लैक से हेडिंग नहीं डालते हो, क्यों? तो क्या होगा, अच्छे से लिखा करो हेडिंग डाल के, इसीलिए तो फिर तुम ढूंढते रहते हो कि तुम्हारे टॉपिक कहाँ पर है। चलिए इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं फुलिरिन की, तो स्ट्रक्चर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, किसकी देख रहे हैं हम स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा C60 की,
इसकी जो स्ट्रक्चर होती है लाइक अ फुटबॉल, फुटबॉल की तरह होती है, और इसके स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड बोथ आर फाउंड। हालांकि स्ट्रक्चर में इसको सो नहीं कर पाएंगे हम। लो हम इनमें एक चीज़ और डाल दें अभी कि हम इतनी मेहनत से पढ़ाए थे, सिद्धार्थ ना बात नहीं सुना था भाई। दोनों ही पाए जाते हैं इसमें, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में दोनों सो नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बनाते हैं इसकी स्ट्रक्चर फुटबॉल जैसी। ठीक है, देखिए तो कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको पेंटागन बनाना है इसमें। सबसे पहले बनाना है पेंटागन। ये बन गया हमारा पेंटागन। इसके बाद इस पेंटागन से बनाना है हमें हेक्सागन्स। इसका जिस पेंटागन से बनाना है हमें हेक्सागन्स ऐसे। ऐसे 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 इस प्रकार से। Thank you.
तो इस प्रकार आपको ये बनाना है। इतना बना लो पहले, फिर आगे चलते हैं। मन गया इतना? क्या क्या हुआ सिद्धार्थ? नहीं बना, बना लो, कोशिश कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद एक बढ़िया सा गोला आना चाहिए। थोड़ा सा ओवल हो गया, ठीक है। अब दोबारा कोशिश नहीं करेंगे, इतनी सही है जितना बन गया। ठीक है, ये इतना बनाना है और इसके बाद थोड़ा सा डायगोनल करते हुए इनको ऐसे जोड़ देना है, हल्का सा तिरछा करते हुए ऐसे ऐसे। फुलेटिंग लुक्स लाइक फुटबॉल, कुछ इस प्रकार से देखने में लगती है आपकी। तो ये है आपके पेंटागन्स, ये है हेक्सागन्स, फिर पेंटागन्स आएंगे, फिर हेक्सागन्स आएंगे, फिर पेंटागन्स, हेक्सागन्स। ये आपका 1D में देख रहे हो आप, सिर्फ आप ऐसे में इसको देख रहे हो, ऐसे में। 2D में देखोगे तो आपको इसके अंदर के भी दिखने लगेंगे, और 3D में देखोगे तो पूरी फुटबॉल आपको दिखने लगेगी। तो आप 1D में देख रहे हो इसको, जिसमें सिर्फ आपको सामने का फेस दिख रहा है फुटबॉल लाइक। तो कुछ इस प्रकार से होती है C60।
इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में होते हैं, तो वो इसमें शो करना सही आसान नहीं है, एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए संभव नहीं है इसके लिए इस स्ट्रक्चर में, तो आपको ध्यान रखना है। इट इज क्लस्टर ऑफ C60, क्लस्टर ऑफ C60, इस 60 का क्लस्टर है, कर लीजिए। चलिए तुम लोगों ने बोलो गोल गोला बना लिया कैसे, इतना गोल कैसे आगा गोला, अभी तो दूर है। सिद्धार्थ को सबसे गोल खराब बना सर, देख तो लें दो। हमने देखा था थोड़ा सा, तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा बना था तो सही बनाया नहीं तुमने उसे, फिर तो दिखा तो दो। अरे बनाया कि नहीं, बना लेना। तो जे है पेंटागन्स, और ये है हेक्सागन। हाँ ठीक है, ए सिर्फ हेक्सागन से ही कंबाइन होंगे, जबकि हेक्सागन पेंटागन से भी कंबाइन होता है, स्वयं भी कंबाइन होते हैं, ठीक है ध्यान रखना। ओनली Combined with hexagons. और बात करें hexagons की, combine itself एंड विद पेंटागन्स, सेवन से भी कंबाइन होते हैं और पेंटागन से भी कंबाइन होते हैं। दिस इज बकीवॉल, दिस इज बक मिनिस्टर फॉर लिविंग। This is the key hole.